What about insects are completely on it? No, they are not seen for last so many years. But उनका population कम हो गया है, extinct नहीं हुआ, क्योंकि उसका खोज की ज़रूरत है, उसको सर्वे करने की ज़रूरत है और जरूर मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सारे रेयर मिलते हैं। जैसे हमने अभी एक नया स्पीसीज ऑफ जिनुक दीघा में डिस्कवर किया, जिनुक न्यू स्पीसीज ऑफ जिनुक, उसका नाम हमने दिया मैक्रोक्लेमस मैंगलेंसिस। न्यू नहीं, न्यू यूनिक इन द वर्ल्ड, और बिल्कुल कोई भी टूरिस्ट जाते हैं ना उनको कॉमनली मिलता है आप दीघा के कोस्ट में। सर, व्हाटएवर यू हैव एडेड न्यू स्पीसीज, फर्स्ट टाइम डिस्कवर इन द वर्ल्ड। भारतीय प्राणी संरक्षण आगे का आप लोगों क्या प्लानिंग है, किस प्रकार से इसको और भी संरक्षण करेंगे, आगे क्या प्लानिंग है सर? जी, हम लोग जैसे भारतीय प्राणी संरक्षण का काम है सर्वे करना पूरा देश में, और हमारा जो कलकत्ता ऑफिस से जैसे निर्देश जाता है, हम वेस्टर्न घाट में काम करते हैं, ईस्टर्न घाट में काम करते हैं, हिमालय में काम करते हैं और साउथ में काम करते हैं, और हमारा जो आगे का जैसे इस बार बहुत सारे विलुप्त प्राणी का स्टेटस सर्वे कर रहे हैं, उनका पॉपुलेशन असेसमेंट कर रहे हैं कि इनके कितना प्रजाति के हैं और कितना नंबर है, उनका खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम जैसे ओलिब्रिटली टैगिंग जो कर रहे हैं, मेटल टैगिंग लगा रहे हैं, सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाने के लिए अभी हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर, ताकि उनका गतिविधियों को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जानकारी मिल पाए। और शुक्रात एक विलुप्त प्राणी है जो कि उसको भी टैगिंग करने के लिए हम जो कोशिश करेंगे इस बार, और जो सुंदरबन में मिलते हैं पर्टिकुलरली, और उनका नंबर बहुत कम हो गया है। रॉयल बंगाल टाइगर की खोज हमारा नहीं है, लेकिन हम हेल्प करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उनका नंबर जानने में, या उनका कौन से एरिया में ज़्यादा रहते हैं। उड़ीसा में किस प्रकार से कार्य चल रहा है सर अभी? जैसे हमारे गोपालपुर रीजनल सेंटर है, गोपालपुर रीजनल सेंटर एस्टुरी बायोलॉजी रीजनल सेंटर है, वहाँ पे हम जो नदी जो और समुद्र के जो संगम वाला स्थल में हम काम कर रहे हैं, कितने प्रजाति के फिश है वहाँ पे, कमर्शियल फिश है, जैसे मछुआरों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके, उन सब मछलियों को पहचान कर हम बता रहे हैं। और हम गोपालपुर के पास जो ऋषिकुल्या है जहाँ पे कछुए आते हैं अंडा देने के लिए, उनका ऊपर शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। वेस्टर्न घाट में किस प्रकार से कार्य चल रहा है, कहाँ तक है? वेस्टर्न घाट में हमारा बहुत सारे विलुप्त जो प्रजाति के मामल हैं, जो प्राणी है, जैसे मार्टिन है, मार्टिन बोल के एक बिल्ली किस्म का एक छोटा सा जानवर है, उसका स्टेटस सर्वे कर रहे हैं। वेस्टर्न घाट में कितने प्रजाति का मेढक रहते हैं, आपके लिए मेढक शायद मेढक है, लेकिन वेस्टर्न घाट में खाली 200 से ज़्यादा प्रजाति के मेढक रहते हैं, उनका खोज के बड़े छोटे छोटे होते हैं, और उनको ये बरसात में ही खोजना पड़ता है, बिल्कुल जब जम के बारिश होता है तभी निकलते हैं मेढक, उसके बारे में हम खोज कर रहे हैं। वेस्टर्न घाट में कितने प्रजाति के प्रजातियाँ हैं, मतलब प्रजाति बोलते हैं ना बटरफ्लाई है, उनके बारे में शोध चल रहा है अभी कि कितने प्रजाति हैं, और कुछ प्रजाति के बटरफ्लाई हैं जो कि खाली वेस्टर्न घाट में ही पाए जाते हैं सारी दुनिया में, और कहीं पे नहीं मिलते हैं। ईस्टर्न घाट में किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, उसका क्या सर्वेक्षण चल रहा है? ईस्टर्न घाट में जैसे कुछ छिपकलियाँ हैं जो कि खाली ओनली ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं और कहीं पर नहीं पाए जाते। एक प्रजाति के मेढक हैं जिसका पैर नहीं है, जो कि ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, तो उसका ब्रह्मपुत्र की नदियों में किस प्रकार का सर्वेक्षण? ब्रह्मपुत्र का पिछले साल में हमने ब्रह्मपुत्र में डॉल्फिन का पूरा सर्वे किया, ब्रह्मपुत्र से जहाँ से शुरू होता है इंडिया में और जहाँ पे आके खत्म होता है वो पूरा इंटरस्टेट हमने सर्वे किया और देखा कि कितने प्रजाति के डॉल्फिन होते हैं वहाँ, कितने डॉल्फिन का पॉपुलेशन है। सर, आपका गुड नाइट। थैंक यू। श्रीलंका से मिला जो किया था, श्रीलंका से गया उसके पास से ব্রহ্মপুত্র
मिटिगेशन प्लान वाले प्रोजेक्ट को से डेवलप किया सेंचुरी को लेकर अच्छे बिहार to have more technical expertise and then they